नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में बेरोजगारी एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वही प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि हम लोग युवाओं की समस्याओं और बेरोजगारी पर खास ध्यान रखते हुए काम करेंगे। देखिए, आज प्रथम कार्यकारिणी का बैठक है, तो एक तो इंट्रोडक्शन है, एक दूसरे के साथ हम लोग का इंट्रैक्शन है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, झारखंड के जो नौजवान हैं, जो पलायन है, बेरोजगारी है, और युवाओं के लिए कैसे नीति निर्धारित हो, संगठन हमारा बूथ और पंचायत स्तर तक कैसे जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोगों का आज बैठक है। और इसके बाद जो बाकी है वो हम लोग आपस में बात करके तय करेंगे कि आगे हम लोगों को झारखंड में कैसे संगठन को और मजबूत करना है, युवाओं के आवाज़ को कैसे मजबूती से उठाना है, जो उनकी समस्याएं हैं, और कई ऐसे संगठन है जो बंद पर अभी भी जॉब कर रहे हैं, जिनका काफ़ी डिमांड है रेगुलराइजेशन को लेकर। मनरेगा वर्कर भी हम लोगों से लगातार संपर्क में है, तो हम लोग सारे समस्या पर बात कर रहे हैं कि कैसे इसको असेंबल करके सरकार से बात करके एक पुल का काम युवा कांग्रेस करे, ताकि सारा जो समस्या है उसका समाधान युवाओं का खासतौर से होगा। अभिजीत जी, अभी आपने बेरोजगारी की बात की है, पिछले कई दिनों से पंचायत सचिव अभ्यर्थी बैठे हुए राजभवन के समक्ष, आपके अध्यक्ष बने लगभग 20 दिन हो चुके हैं, एक बार भी अभी तक आप गए नहीं हो? नहीं, एक तो है कि उनका हम लोग समर्थन करते हैं और उनसे मेरे बात हो रही है। अब देखिए, बात करने का मतलब ये नहीं कि हम उनके बीच में जाके बैठ के क्रेडिट लें, उनसे बात हो रहा है और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि सरकार के साथ एक, अभी जब इससे पहले भी आप लोगों को बोले कि एक साझा हम लोग पुल का काम करेंगे, ना कि उस प्रोग्राम का क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ जाके बैठ जाएंगे, तो सब बात हो रहा है। और यहाँ पे बहुत अनुभवी टीम हम लोगों के साथ है, तो इन टीम के साथ भी हम लोग लगे हुए हैं कि सबको कैसे दायित्व दें हर चीज़ को लेके, और आपको आने वाला समय में हर समस्या में यहाँ का युवा खास तौर से आपको दिखेगा कि सरकार, अब पहले भी कहा है हमने और आगे भी आपको कहना चाहते हैं कि युवा कांग्रेस हर मुद्दे पर सवाल उठाएगी सरकार से, अगर नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ किसी भी तरीका का नाइंसाफी वाली बात हो रही है तो। लेकिन मुझे तो दिखाई तो नहीं दे रहा अभिजीत, बहुत बहुत ऐसे छात्र हैं, संगठन हैं, जो भी जैसे जेपीएससी का मुद्दा ले जाने, कई मुद्दे हैं, छात्र रहते हैं सड़क पर, लेकिन युवा कांग्रेस कहीं दिखाई तो नज़र नहीं आती वहाँ पे। आपको दिखाई देने लगेगा बहुत चीज, इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि बहुत जल्द आपको युवा सड़क पर दिखेगा, और जो जेपीएससी का मामला है वो बहुत जायज मामला है, हम लोग उसके समर्थन में थे और लगातार उसके फेवर में हमने, हमारे कई साथी बोल रहे थे, लिख रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, तो दिक्कत है कि आप दिखाते भी कम है, तो आप दिखाना आप सड़क पर रहेंगे तो नहीं, सड़क पर है घर में तुरंत दिखाई नहीं, नहीं सड़क पर है, लेकिन सड़क पर रहने के बाद भी हम, मतलब ये इसको आप इंडिविजुअली अपने तक मत ले लीजिएगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि देखिए, हम लोग सरकार के एक अंग बहुत ज़रूर हैं, लेकिन सब मध्य वर्ग के लोग हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो प्रचार तंत्र है, चाहे वो मीडिया में प्रचार का बात हो या पोस्टर बैनर में होर्डिंग का बात हो, तो क्रेडिट वाला सीन में हम लोग कहीं नहीं रहते हैं, लेकिन जो काम का बात है उसमें युवा कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और आने वाला समय में आप लोग को ये चीज़ दिखेगा, और ये सवाल मुझे लगता है कि आप नहीं पूछेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।